मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना अंतर्गत बेनीबाद ओपी क्षेत्र में बागमती नदी में नाव पलट गई, जिसमें कई बच्चे लापता हैं। स्कूल जाने के दौरान ये घटना घटी है। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना के बेनीबाद ओपी में ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि भातगामा गांव के मधुपट्टी घाट के पास सदरनाक नाव हादसे में कई बच्चे डूब गए। स्कूल जाने के क्रम में ये नाव पलट गई। बच्चों से भरी नाव बागमती नदी में अचानक डूब गई। नाव पर करीब 2 दर्जन से अधिक बच्चे सवार थे। 20 बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिया गया, जबकि अन्य बच्चों की तलाश नदी में गोताखोर की मदद से की जा रही है। मौके पर पहुंची SDRF की टीम और स्थानीय गोताखोर नदी में डूबे बच्चों को ढूंढ रहे हैं। विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी रंजीत जुड़ चुके हैं। रंजीत, ऐसी खबर आ रही है कि बागमती नदी में नाव पलट गई, जिसमें कई बच्चे डूब गए हैं और कुछ को निकाला गया, कई लापता भी हैं। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? काजल, मैं बता दूं, मुजफ्फरपुर गायघाट थाना अंतर्गत बेनीबाद ओपी के बागमती नदी में तकरीबन 34 बच्चे को लेकर नाव बच्चे को पार करवा रहे थे। अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव नदी में समा गई, और जिसके कारण कुल 34 बच्चे नदी में डूब गए। हालांकि स्थानीय लोगों के पहल पर अभी तक स्थिति ये है, ताजा अपडेट ये है कि 20 बच्चे को नदी से निकाल लिया गया है। घटना स्थल पर स्थानीय प्रशासन और तमाम गोताखोर वहां और बच्चे को निकालने के जद्दोजहद में जुट गए हैं। घटनास्थल पर पूर्वी DSP सहरियार अख्तर पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता है कि कितने बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि नाव पर अत्यधिक सवार होने के कारण बच्चे डूबे हैं, जबकि नाव चालक का कहना है कि इसमें केवल 34 बच्चे ही सवार थे। तो अत्यधिक बच्चे रहने के कारण नाव का संतुलन बिगड़ा है और बच्चे डूबे हैं। अपडेट यह है कि अभी तक में 20 बच्चे को नदी से निकाल लिया गया है और अन्य बच्चे को खोजने के लिए SDRF के टीम और स्थानीय गोताखोर लगातार जद्दोजहद कर रही है। जी काजल जी, जैसा कि आपने बताया कि ऐसा कहा जा रहा है कि नाव में बच्चे अधिक संख्या में बैठे थे, जिससे ओवरलोडिंग से नाव गिर गई। पानी में, नदी में पानी का बहाव भी दिख रहा है, तो इसमें लापरवाही कहां तक बताई जा सकती है कि जब इतना बहाव है तो इतने बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए था? बिल्कुल काजल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि नाविक के द्वारा इसमें लापरवाही बरती गई है। नाविक के द्वारा अत्यधिक बच्चों को ओवरलोड हो जाने के कारण नाव का संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण ये घटना घटी है। हालांकि स्थानीय प्रशासन इस संदर्भ में अभी कुछ भी कहने से साफ साफ बच रही है। उनका कहना है अभी मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को जो नदी में डूबे हैं उसे बचाना है। जो बच्चे बाहर निकाला गया उन्हें उनका बेहतर इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अन्य बच्चों के खोजबीन के लिए लगातार स्थानीय गोताखोर और तमाम प्रशासन के लोग लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। जी रंजीत, देखिए अब ऐसा कहा जा रहा है जो कि स्कूल के बच्चे स्कूल जाने के क्रम में ये नाव पलटी है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज 21वीं सदी के भी इस जमाने में बच्चों को स्कूल नदी से जाना पड़ रहा है। लोगों को नाव में बैठकर नदी पार करके बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ये स्थिति क्यों है अभी? बिल्कुल, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिस तरह से बिहार सरकार शिक्षा के प्रति सर्वोच्च भाव में समर्पित होकर शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, शिक्षा को स्वर्णिम दिशा देने के लिए लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, और आज की स्थिति में इस सुशासन के सरकार में अगर बच्चे नाव पार करके नाव के सहारे स्कूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं यह कर्मण्यता है स्थानीय प्रशासन का, बिहार सरकार का। तो नाव से जाना बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जरूर कहीं ना कहीं कि ये रोड आने जाने की जो सुविधा नहीं रहने के कारण बच्चों को नाव सवार होकर स्कूल जाना पड़ता है, तो प्रशासनिक लापरवाही कही जा सकती है काजल। जी रंजीत, जैसा कि आपने बताया कि कई बच्चे डूबे थे, कई को निकाला गया है और कई अभी तक फंसे हुए जिनको गोताखोर निकाल रहे हैं, इस पर क्या अपडेट है? अभी तक किसी बच्चे की हाथाहात की सूचना है? कोई बच्चा घायल हुआ है या और कुछ? दरअसल मैं बता दूं कि तमाम बच्चे जो डूबे थे उन तमाम बच्चों को बेहतर इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चे काफी पानी पी लिए हैं। स्थिति यह है कि बच्चे अभी उनका इलाज चल रहा है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। इस संदर्भ में स्थानीय DSP जो है वहाँ के
शहरियार अस्तर से हमारी बात हुई, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा बच्चे का देखभाल के लिए इलाज चल रहा है और अन्य बच्चे जो डूबे हुए हैं उनके खोजबीन के लिए लगातार स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम लगातार खोज रही है। जी जी रंजीत, हमसे जुड़ने के लिए, हमें इस अपडेट ये अपडेट देने के लिए आपका धन्यवाद। नाव से उस पार मधुरपट्टी से बलोर हाई स्कूल में बच्ची पढ़ने आ रही थी, उसी दरमियान नाव का टूट गया रस्सी, उसी दरमियान घटना घटा है मधुरपट्टी घाट पर। 30 बच्चे थे। कितने बच्चे को सुरक्षित निकाला गया? 20 को, 20 बाईस को निकाला गया, बाकी गायब है। यहाँ पर जो है बेनी बादोपी क्षेत्र में मधुपट्टी घाट में मतलब कुछ बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए और कुछ महिलाएं जो है चढ़ी हुई थी, लेकिन उसमें नाव में संख्या से ज्यादा बच्चे और महिलाएं होने के कारण जो है और वो रस्सी के सहारे उस पार से इस पार लोग आते हैं नाव में, तो रस्सी टूट गई। टूट जाने के कारण नाव अनबैलेंस हुआ, उसमें बहुत सारे बच्चे और महिलाएं गिर गईं। उसमें बहुत सारे बच्चों को निकाल लिया गया है और अभी हॉस्पिटल भेजा गया है और अभी अनुमानित नहीं हो पा रहा है क्योंकि किनके बच्चे हैं, क्या है, कौन डूबा है, मतलब एक मोटा मोटी कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ बातें कह रहे हैं, तो अभी पूरी तरीके से झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।